पाकिस्तान हमारा हिंदुओं को, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब 27% हिंदू था, आज 1% रखा। हम यदि हिंदू भाई चाहते तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है, हम इंसानियत दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजवीर साय और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में जिस तरह पाकिस्तान भारत के अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा रहा है, दोस्तों आज हम उस जनसंख्या के विषय में बात करने वाले हैं जो अल्पसंख्यक भारत के अंदर हैं, और वो अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में हैं, आज वो मुद्दा हम आपके सामने उठाने वाले हैं। पाकिस्तान कहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, यानी सीधा सीधा उसका मतलब है मुस्लिम समाज से। आज हम जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में ऐसा कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान खाली अपना प्रोपोगेंडा तैयार कर रहा है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान बोल रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया से जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो वहाँ हिंदू का जनसंख्या था 27%, आज वहाँ 1% बच गया, तो आप समझ सकते हो कि कहाँ अत्याचार हो रहा है। और हमारे इंडिया के अंदर अभी भी देखो मुसलमान लोग सही से हैं, कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, हम हिंदू भाई भी हम सही से रह लें। लेकिन जब एक पाकिस्तान का हमें, जब पाकिस्तान के बात बोला जाता है तो हम यदि पाकिस्तान के नज़रिए से देखना चाहिए तो हम भी कर सकते हैं ना। यदि पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान हमारा हिंदुओं को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब 27% हिंदू था, आज 1% रख दिया। हम यदि हिंदू भाई चाहते तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है, हम इंसानियत दिखाते हैं, हम पलटू राम नहीं है। और एक जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या में लागू होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पब्लिक, कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जनसंख्या में जब तक रोक नहीं आएगा तब तक रोजगार, तब तक कोई चीज, पहले जनसंख्या में कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरह से पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में कहता है कि 90,000 सैनिक 80,00,000 कश्मीरियों को कैद में करके रखे हुए, इसको आप कैसे देखें? और पाकिस्तान की बात क्यों करें, पाकिस्तान इमरान खान वही है ना, चट्टू पट्टू, कश्मीर मेरा है, पुलवामा कश्मीर मेरा हुआ है, सब कुछ मेरा है, वो कश्मीर को लेके गीत गाए जा रहे हैं, कश्मीर को गीत गाए जा रहे हैं, वो अपने पाकिस्तान का बात करें, वो अपने पाकिस्तान का बात करें, वो हमें इंडिया का बात ना करें, इंडिया हम बहुत बढ़िया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान को आज से कोई नया दर्द नहीं है। इमरान खान को जिस समय 370 कश्मीर से हटा उसी समय से इमरान खान परेशान है, और जहां तक यूएनए में वो इस तरीके की सवाल तो उठाएगा, वो बहुत कमजोर है, अब उसको कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है, आतंकी को कौन सपोर्ट करेगा? लेकिन सर, वो जिस तरह से भारत के अल्पसंख्यकों को ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा, जिस तरह सिंध के अंदर हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान संख्या पे, आप ये बताओ कि हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम, लेकिन सर भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? नहीं नहीं, सब साफ, दर्जा दिया जाना चाहिए था, समय की डिमांड थी इसलिए दर्जा दिया गया था। हमारे देश में देखिए, हमारे देश की चिंता हम जाहिर करेंगे, पाकिस्तान कौन होता है, हम यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यहाँ कोई अलग नहीं है, अपना काम करे पाकिस्तान। अगर हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो फिर आप ये बताइए, धर्म मंदिर और बाबरी मस्जिद तोड़ने और उतारने के हर बात ये भाजपा मुद्दे क्यों उठाता है? अगर हम भाई भाई हैं तो क्या बोलते रहे, वहाँ मंदिर या मस्जिद बनाने की जगह कोई स्कूल या इंडस्ट्री, वो अस्पताल या कोई चीज क्यों नहीं बनवाया जाता? देखिए, पहले अस्पताल बन रहे हैं वो तो बनवा लो, जरूरी है कि धार्मिक स्थान पे ये पूरे इंडिया को, इंडिया के कानों तक बात जाना चाहिए, पूरी इंडिया के पब्लिक तक, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनने से कोई रोक देगा, किसी की ताकत नहीं राम मंदिर को बनने से। और ये मैं कोर्ट के, आप कोर्ट का बात नहीं, आप जनता करेगी बनाई, जनता सीधी बात, यहाँ हिंदू का पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो हिंदू में जाएगा। एक मिनट देखिए, प्लीज प्लीज प्लीज, हिंदू हो चाहे मुसलमान, प्लीज प्लीज प्लीज, आप मत कहिए, बात हमारी सुनिए, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं कि इस देश में संविधान है, न्यायालय है जो डिसाइड करेगा, हम पूरा देश उसके साथ है, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब इसी देश के हैं, कोई भी धर्म जाति के हो। सर, यूनाइटेड नेशन में जिस तरह पाकिस्तान कह रहा है हिंदू भारत के मुसलमानों के, भारत के मुसलमानों के विषय में कि 90,000 सैनिकों ने 80,00,000 लोगों को गिरफ्त में करके रखा है, इसको आप कैसे देखते हैं?
यार पाकिस्तान की औकात क्या है? आप ये भी जानते हो कि पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं रह गया है। वहाँ की जनता, जो पाकिस्तान की जनता है, वो खुद उसको गालियाँ दे रही है, कोस रही है। वो कहती है ऐसा नालायक प्रधानमंत्री जो हमने चुना है, ये हमारी को, वो खुद उसको गालियाँ दे रहे हैं। उस आदमी का कोई वजूद ही नहीं है, उसकी बातों का कोई, आपने देखा होगा 1.5 फीट का रेड कारपेट उसकी, और मोदी का पूरा ही जब उसका सम्मान किया गया और उसकी जब वो वहाँ मोदी से पहले पहुँचा तो कोई नहीं था, सिर्फ उसकी एम्बेसी के लोग थे जो कि उसके स्वागत के लिए रिसीव करने आए थे। तो वर्ल्ड को पता है कि उसकी औकात क्या है। जी अंकल जी बोलिए। सर जिस तरह से, क्या जो पाकिस्तान भारत में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर सवाल खड़े कर रहा है, वही अल्पसंख्यक चाइना के अंदर 10 लाख मुसलमानों को कैद करके रखा है चाइना, उसके ऊपर पाकिस्तान कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसको आप कैसे? तो आप यही समझ जाइए कि चाइना के ऊपर नहीं बोल सकता है, इंडिया के ऊपर घोर मिला के इमरान खान पास कोई मुद्दा नहीं। इमरान खान आप कान खोल के सुन लो, यदि एक यूपी चैनल आप देख रहे हो कान खोल के, आप पाकिस्तान के बारे में सोचो, इंडिया के बारे में मत सोचो। कश्मीर हमारा था, सारा कुछ हमारा है, और आप बार बार कह रहे हो अल्पसंख्यक के बाद 27 जब भारत आजाद हुआ था, कान खोल के सुन लो हमारे इंडिया प्रेमी भी, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख ईसाई जो भी है, जब भारत आजाद हुआ तो 27% हिंदू था पाकिस्तान में, आज 1% बचा है। क्यों बचा है पाकिस्तान? कभी हमने इमरान खान से सवाल पूछा है? तो हमें यहाँ कोसे नहीं, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं ना, वो सर्वपरे है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और मोदी जी जो आने वाला टाइम में यदि हम यहाँ करने अपना करने चल गए ना हिंदू मुस्लिम, तो मुस्लिम भाई को भी दर्द होगा और हिंदू भाई को भी दर्द होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं है, हम भाई भाई हैं, सब आपस में भाई भाई, लेकिन कोई गलत फहमी को फैलाया ना जाए, और इमरान खान यही गलत फहमी फैलाया जाए। इमरान खान अपने यहाँ नहीं सोच रहे हैं कि बेचारे भूखे मरे जा रहे हैं, टमाटर का रेट इतना महंगा, तेल इतना महंगा, दूध इतनी महंगी, और बार बार इंडिया का, आज देखो ट्रंप पीछे बैठा हुआ था अमेरिका को, सब लोग सर्वोपरि मानता था कि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, आज उसको घुटने टेकना पड़ा, इसके बदल मोदी, इंडिया के इतने प्रधानमंत्री बने हुए, आज किसी का नाम बता दीजिए कोई इतने बड़े बड़े अवार्ड लेके आए हैं, ये जहाँ जा रहे हैं, चाहे मुस्लिम सऊदी जा रहे हैं, चाहे कहीं भी कंट्री जा रहे हैं, इनका कुछ दो लोहा है तभी तो ये सब जगह अपना नाम बांध कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी, अरे आप कुछ चल, अरे ये भी कुछ चंद लोग यहाँ हैं इस देश के खाते, इस देश को मोटिया मिल मिलाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम मिलने नहीं देंगे, हम युवा हैं, मिलने नहीं देंगे, जब तक जंग रहेगा तब तक जारी रहेगा। सर यूएनजीए में जिस तरह विदिशा मैत्रा ने कहा कि पाकिस्तान जाना चाहिए, जिस तरह अल्पसंख्यकों के साथ जो 27% थे 1947 के टाइम पे, आज वहाँ पर अल्पसंख्यक खाली 3% बचे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही, जब हमारा बंटवारा हुआ था तो वहाँ 20% के लगभग जो है ना हमारे हिंदू भाई अन्य लोग समाज थे, 27% आज जो है ना वहाँ 1% है, नाम मात्र 3% तो पाकिस्तान बताता है, 1% बचे हैं। और हमारे यहाँ जब बंटवारा हुआ था तो यहाँ मुश्किल में जो है ना कोई 2-5% अल्पसंख्यक थे, आज 20% से ज़्यादा हैं, तो हमारे यहाँ बढ़ोतरी, उनको सम्मान मिल रहा है कि तुम्हारे यहाँ मिल रहा है? तो पाकिस्तान अपने आप में ही जो है ना एक्सपोज है, उसका किसी को कहने की जरूरत नहीं है, और आरएसएस ये सत्यता है, आरएसएस की हमारी जितनी जनसंख्या यहाँ है, हमारे जितने समाज सेवी प्रचारक हैं आरएसएस के हैं हिंदुस्तान में, उतनी तो पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं है, सच्चाई तो ये है, तो वो आरएसएस को क्या कहेंगे, आरएसएस तो एक समाज सेवी संस्था है। लेकिन सर भारत के अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरह वो रो रहा है, चाइना में जिस तरह 10 लाख मुसलमानों को कैद करके रखा गया, उसको लेकर पाकिस्तान ने एक बार भी यूनाइटेड नेशन में जिक्र नहीं किया, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, क्योंकि वो जो है ना चाइना के कर्ज से इतने दबे हुए हैं, और ये सत्यता है कि चाइना के अंदर मुस्लिम समाज को इतनी बुरी तरह से नजरबंद तरह से रखा है, उनकी वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, उन्हें वहाँ पर ज़्यादा कुछ कहने की आज़ादी, कोई भी आज़ादी नहीं है, मगर कभी पाकिस्तान के मुँह से मत सुनो कि चाइना में मुसलमान परेशान हो रहे हैं, उनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। हिंदुस्तान के लिए कहता है जहाँ मुसलमान
स्वतंत्र है, यहाँ कोई मुसलमान जो है ना किसी के ऊपर कोई बंदिशी नहीं है। यहाँ तो जिस तरह से यहाँ हिंदू अन्य समाज रह रहा है, अन्य धर्म रह रहे, वैसे ही यहाँ मुसलमान रह रहा है। मगर क्या है, पाकिस्तान को तो सिर्फ बोलना है, यहाँ के लिए कुछ ना कुछ बोलना है। अभी पाकिस्तान ने, इमरान खान ने एक शब्द और कहा यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने कहा कि अगर श्रीनगर से आज सेना हटा दी जाए तो वहाँ पर वही होगा जो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो जान रहे हैं कि अगर ये सेना हटाए तो हम वहाँ क्या करवा देंगे। सर वैसे आज यही हुआ है, 3 आतंकी हमले हुए हैं श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर में, आज फिर वहाँ पर धारा 144 लग गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये पाकिस्तान की पूरी साजिश है कि किसी तरह से जो है ना यहाँ पर अशांति फैलाई जाए, तो यूनाइटेड नेशन में ये चीज़ हम दिखा सकें कि वहाँ शांति नहीं है। इन्होंने आर्टिकल 370 हटा के वहाँ गलत किया है, वहाँ के लोग ये नहीं चाह रहे और वहाँ खून खराबा प्रतिदिन हो रहा है। तो पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है मगर ये सत्यता नहीं है। सत्यता ये है कि वहाँ के लोग बहुत खुश हैं और वहाँ के लोग हर तरह से सुरक्षित हैं, मगर पाकिस्तान नहीं चाह रहा है कि वहाँ सुरक्षित रहें और शांति से रहें।